तो हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारी। आप लोग तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बड़े दिनों के बाद में व्लॉग। अब तक जन्माष्टमी के एंड जो मैंने छठी पूजन की थी वो, एंड जो अभी परसों एशिया का कप मैच हुआ था, एशिया कप का 2020 का, तो वही किया था बस, उसकी थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो डालती। एक और बात, मैंने ना वीडियो डाली थी, मतलब शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आए थे, बहुत ज्यादा, क्या बताऊं, बस बहुत अच्छे आए थे। यू मान लो 70K व्यूज थे उस एक वीडियो पे, और जो दो वीडियोस के साथ की और थी ना उस पर भी अच्छे अच्छे व्यूज थे, मतलब। तो फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मेरे उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया, तो इसीलिए अब मैं आज फिर ब्लॉग बना रही हूँ। चलो कोई नहीं, वो तो कर देते हैं। मेरा कोई कंटेंट भी नहीं था, बस वीडियो थी, तो उस बेस पे भी उन्होंने पता नहीं क्या वो ब्लॉग हो गई, तो इसलिए वो वीडियो अब किसी को नहीं दिख रही होगी। जो सोच रहे होंगे कि यहाँ से वीडियो कहाँ गई, तो वो वीडियो किसी को भी नहीं दिख रही वो, क्योंकि ब्लॉक हो चुकी है, वो सिर्फ मुझे दिख रही है। तो अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। काम सब हो चुका है, टाइम हो रहा है, 1 बज चुके हैं। मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, तो काम सब हो चुका है लगभग। ये देखिए, मैं नीचे गई थी तो वहाँ से टॉप गर्म वाला लेकर आई हूँ, अभी गर्मी है वैसे तो। ये बॉक्स है, बस इसको रखना है, इसमें मैंने सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट से, कुरियर आया था, तो ये कल ऑफिस से लेकर आया, उनके ऑफिस पे चला गया था। अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने, एंड कपड़े सुखाने के बाद में तब मैं आपसे आकर मिलूंगी। अभी मैंने पूरा घर धोया है, तो देख, मैं पूरा घर धोकर पोछा पोछा लगाया, अभी सूखा भी नहीं है ठीक से, यहाँ का तो सूख गया रूम का। तो चलते कपड़े सुखाने। देखिए ये देखिए ये देखिए, सब धोए हुए सबका सब, एंड किचन भी पूरी क्लीन हो चुकी है, दिख रहा होगा आपको। अभी मैंने खाना नहीं खाया, बाकी सब खा चुके हैं, बट मैं भी खाऊंगी खाना। पहले ऊपर कपड़े सुखा जाते हैं, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर। मैं आज आपको दिखाऊंगी ड्रेस दिखाऊंगी कान्हा जी की, जो मम्मी ने अभी करंटली में बनाई है। कुछ थोड़ा बहुत काम मैंने किया उसमें, बाकी सब मम्मी ने ही बनाई है। और ड्रेसेस आती मुझे भी है, बट मैं जो मेरा छोटा लड़का ना, वो करने नहीं देता कुछ भी, तो बस मम्मी ने बनाई है अभी तो फिलहाल। मैं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी अच्छे से, देखते हैं कैसी बनाऊंगी। तो जो अभी मम्मी ने बनाई मैं वो दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, उससे पहले मैं पहले ऊपर जाकर ना सारे कपड़े सुखा कर आती हूँ, उसके बाद में दिखाऊंगी आपको। मम्मी ने 3 जोड़ी ड्रेस बनाई है, 3 या 4 बनाई है शायद कान्हा जी की, क्योंकि ये नवरात्र आ रहे हैं ना, तो उसी उनके लिए बनाई है, उनकी तैयारी चल रही है अभी, सबसे पहले कान्हा जी की तैयारी चल रही है, उसके बाद में और सबकी चलेगी। तो जी बस आगे मेरे ब्लॉग में बने रहना, बहुत अच्छी ब्लॉग आएगा आगे। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए जी, फिर अभी मैं आपको आके ड्रेस दिखाऊंगी, ठीक है। पहले मैं ऊपर कपड़े सुखा के आती हूँ, जब जल्दी फिर आते हूँ। तो गाइस देखिए, टोटो यहाँ पर क्या कर रहा है, और मैं यहाँ पर दूध उबाल रही हूँ, खाना भी मैं खा चुकी हूँ, यहीं खड़े खड़े खाना खाना पड़ा मेरे को, दूध उबाल रही हूँ। और इसे देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? हेलो बोलो, हेलो इधर देख के, इधर देख के बोलो हेलो। ये ना बर्तन छेड़ता है, देखना फिर से छेड़ेगा। मिटाई जाएगी। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, मैंने बोला था आपको कि ड्रेसेस दिखाऊंगी कान्हा जी की दिखाऊंगी, बट अभी आ गया ना, देखो प्रेस छेड़ रहा है, वो प्रेस भी हटा के रखनी है मुझे, इसको सुलाऊंगी, इसके बाद दिखाऊंगी। अब इवनिंग टाइम पे दिखाऊंगी शायद, देखते हैं जैसा भी होगा। चलिए अभी देखिए प्रेस कर रहा है, ऐसे ही करता है, हाँ हाँ करता है। हेलो बोल दो, हेलो बोलो, ऐसे कर, हेलो बोलो बोला और काबू कल इसने मेरा नाम लिया था, बोला चालू तो अब ये धीरे धीरे अपने आप बोलता है।
तो गाइस देखिए, समृद्ध होकर उठ चुका है और टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं। अगर आपको दिख रहा होगा लाइट तो ऐसे नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए अब सो के उठा। कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? ये बार बार ना इसी पे बैठ रहा है। अब मैं इसको नीचे छोड़ कर आऊंगी, फिर आकर चाय बनाऊंगी। चलो चलो, कहाँ पे जाएंगे? नीचे चलेंगे, नीचे चलें। आओ चलो। और मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मैं उसको देख रही हूँ। तो बस अब मैं इसको नीचे छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद मैं घर चाय बनाऊँगी। मैं क्योंकि ना सोई नहीं हूँ ना, तो मेरे को आँखों में ना नींद ऐसी रहती है। अगर मैं इस टाइम सो जाती हूँ ना, तो फिर मुझको शाम को नींद नहीं आती, तो मैं इसलिए सोती नहीं हूँ इस टाइम। मैं इसके साथ में ये सो जाता है, बट मैं फ़ोन में इधर से उधर माथा मास्ट रहती हूँ, फिर सोती नहीं हूँ। तो जी बस अब मैं इसको नीचे छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मैं आकर चाय बनाती हूँ, फिर मैं आपको कान्हाजी की ड्रेस भी दिखाऊँगी। मैंने आपको दिखाई है, पहले मैं वही दिखाती हूँ आपको, ड्रेस ही दिखाती हूँ, उसमें काम है बट दिखा देती हूँ आपको। ठीक है। तो जी अब देखिए, ये ना इसने चालू कर दिया था। तो ये हमारे छोटे वाले कान्हाजी की ड्रेस है, एक देखिए एक ये ड्रेस है, इसी के साथ की ये बड़े वाले की है, ये री मेरे मुकुंदा की, ये मुकुंदा की है, ये छोटे लड्डू की है, तो एक जोड़ी ड्रेस तो ये री। अब एक जोड़ी और दिखाती हूँ, ये री एक ये ड्रेस है। तो देखिए ये ऐसे करके बनाई है डबल, उसमें इनकी भी चोली ऐसी है। तो ये छोटे लड्डू की है, ये मुकुंदा की है, इस ये भी ऐसी है सेम। मम्मी ना जब भी बनाती है ना, तो एक जैसी ड्रेस बनाती है दोनों की। तो देखिए एक ये री, इसका ये डबल डबल शेड कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ऐसे है। तो एक ये है लड्डू की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लड्डू की, ये हमारे मुकुंदा की, तो ये देखिए। अभी इसमें स्टोन लगाने बाकी हैं, पैच वर्क का काफ़ी काम है अभी। पैच वर्क जो भी मतलब जिस हिसाब से अच्छा लगेगा वैसे वैसे इनको डेकोरेट करूँगी, अभी जो इनकी ड्रेस है, तब मैं आपको पूरा लुक दिखाऊँगी बाद में। तो ये हमारी तैयारी हो रही है मुकुंदा और लड्डू की नवरात्रों की। तो जी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हमारे दोनों मुकुंदा और लड्डू की ड्रेस ये रही। अब मैं इन्हें रखने जा रही हूँ, ये देखिए अभी गिरा, गिरे थे ना अभी आप, गिरे थे ना, कहाँ से गिरे थे? इस पे से गिरे थे, ऐसे गिरा था। अभी इस पे बैठेगा, हेलो कर दो, हेलो बोलो समृद्ध, अभी धीरे धीरे बोलने लगा ना, कुछ अभी बोलता नहीं। पापा कहाँ है? बाहर, बाहर गए हैं पापा। ऑफिस गए हैं, बाहर गए हैं ऑफिस। तो अब मैं इसको नीचे छोड़ कर आती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको ड्रेस बता दी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ड्रेसेस आपको कैसी लगी हैं। अभी बहुत बाकी है इसमें काम, जब ये पूरी फुल रेडी हो जाएगी एक बार और जब दिखाऊंगी आपको। तो गाइस देखिए, मैं बना रही हूँ आज तोरी, तुरई की सब्जी। ये गाँव से आई थी तोरी, गाँव के खेत की तोरी आई है। तो इनमें एक भी बीज नहीं है, देखो कितनी मोटी है, बीज नहीं है इसमें। वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो कितनी मोटी है ये, बट बीज देखो इसमें नहीं है। अभी इसी की सब्जी बना रही हूँ मैं, तो काट लेती हूँ।
तो गाइस देखिए, खाना बन चुका है। ये रही तुरई की सब्जी, और ये मैंने ना ज़्यादा वैसे नहीं बनाई, पानी वाली, क्योंकि गांव की तोरी थी ना, मैंने इसलिए बहुत अलग तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, कोई ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डाले। तो देखिए मेरी, ये देखिए बस इतनी ही गाढ़ी सब्जी है। नीचे खाना खाने लग रहे हैं, तो ये प्लेट लग चुकी है समीक्ष के पापा की, अब मैं उन्हें खाना देने जाऊंगी। और यहाँ देखिए मैं रोटियां बना ही रही हूँ, तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। एक बंदर आ रहा है, अभी देखना मेरा मंकी, देखना भी आप, देखना भी आ रहा आ गया ना मंकी, देखो ये क्या लेकर आया, क्या लेकर आए हो आप? जोनी ये जोनी है? हाँ? जोनी है ये? हाँ जोनी है, पिल्लो है वो, हार्ट शेप पिल्लो है। किस किसकी पिक्चर है इसमें बताना, इधर देख के बताओ। और मम्मी और बेबी। ये बेबी कौन है? छोटा नहीं, दिखाओ इधर दिखाओ। अच्छा गाइस को दिखाती हूँ, तो गाइस देखिए ये पिल्लो है, ये इसके पापा ने बनवाया था जो हमारी सेकंड करवा चौथ थी उस पे बनाया था। तो एक हमारा भी ऐसा ही है, हम दोनों का, एंड ये मम्मी पापा का बनवाया था इन्होंने। तो ये साथ में इनके है समिक्स, बट इसको क्या लगता है, जो भी ये छोटी छोटी पिक्चर देखता है ना, तो इसको लगता है इसका छोटा भाई है, तो इसलिए बस ये छोटा बेबी करता है। बट ये यही है, ये समिक्ष कटारिया है ना। गाइस बस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ये देखिए आ चुके हैं छोटे वाले भी। हाँ।